आज से हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेस। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज ये तुम्हारे करियर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होने वाला है, तुम्हारा करियर इसी पे चलेगा। सो लेट्स, तुम्हें जो बंदा पढ़ा रहा है, पहले सबसे पहले क्या पढ़ा रहा है वो, इसके प्री रिक्विजिट क्या है, ठीक है? इसके प्री रिक्विजिट क्या है? सबसे पहले भैया आपको चाहिए क्या? कोर जावा। ओके, आपको चाहिए क्या? एडवांस जावा। ओके, और आपको चाहिए एसक्यूएल। तो मैं समझ सकता हूं आपको चाहिए कोर जावा, आपको चाहिए एडवांस जावा, और आपको चाहिए एसक्यूएल। संजय अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया भैया, थोड़ा स्लो बढ़ाओ। चल आगे देखो। अरे नहीं समझ में आएगा, मैं बैठा तो हूँ यार, क्यों टेंशन लगा है तू, है ना? मैं हूं तो एक बार नहीं तो 10 बार बताऊंगा मैं। चल ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चल, मैंने बोला कि कोर जावा, एडवांस जावा एंड एसक्यूएल, ये चीजें भैया मुझे पता होनी चाहिए। अब मुझे बताओ तुम्हें इसमें से कौन सी चीजें नहीं पता है? आर वी डन दिस? आर यू डन विद दिस? एसक्यूएल, मैं थोड़े दिन में कोई एक सेशन प्लान कर रहा हूँ एसक्यूएल का, अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है? इट्स ओके, मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं बोलता हूँ अपनी टीम में से कोई पढ़ा देगा, ठीक है? ओके चलो, मेरे से पढ़ना। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक मैं जैसे बोलूंगा वो भी मेरे से बढ़िया पढ़ाया, ठीक है? चल, अब मैंने बोला एसक्यूएल हमें आती है, कोर जावा। हाँ लेकिन ये मैंने देखा है ना, लोग यूट्यूब पे एनरोल करवा लेते हैं बच्चों को, जैसे कि मेरे पास बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है कि भैया हमने उस कोर्स को लॉन्च किया था, अब वो पढ़ाते नहीं। ठीक है चल, कोर जावा 100%, एडवांस जावा 75%, एसक्यूएल चलो ठीक है। हाँ, और हमें एडवांस जावा में मोस्टली मेरे को क्या आना चाहिए भैया? मेरे को सर्वलेट आना चाहिए, ठीक है? प्लस मुझे JDBC आना चाहिए। ओके, अब मुझे सर्वलेट आती है गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे आज रुकने नहीं चाहिए, मुझे दिखना चाहिए तुम लोग इंटरेक्शन कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम लोगों की कमेंट सेक्शन ओपन कर रखी है, ठीक है? हाँ, अब ये तो रहे प्री रिक्विजिट भैया, जो मुझे चाहिए। अब सबसे पहले कि भैया तुम्हें पढ़ा कौन रहा है, मतलब उसको खुद को नॉलेज है या नहीं है, ठीक है? कौन पढ़ा रहा है, मतलब तुम्हारा इंस्ट्रक्टर कौन हो, टीचर कौन हो, ठीक है भैया? हम पढ़ा रहे हैं इसको, और आई एम वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम पास्ट होल माई, यू कैन से दैट 6+ ईयर्स, ठीक है? तो मुझे एक एक चीज पता है कैसे क्या होना है। हाँ या दिस इज वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी, तो हो सकता है कि मुझे भी, मुझसे ज्यादा उन लोगों को बताओ जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो हाँ इट्स ओके, चल आगे चलता है। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं भैया इसमें, इसका कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है? क्योंकि जो हम पढ़ेंगे उसको पहले हम देख तो लें कि हम क्या पढ़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि हमने स्टार्ट कर दिया है ना, तो पहले एक नींव तो बना ले, घर बनाएंगे तो पहले देखेंगे तो सही क्या क्या सामान चाहिए। तो अगर मैं सामान की बात करूं तो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले? स्प्रिंग कोर। हाँ अर्ची, कल कोई क्वेश्चन था तुम्हारा? ठीक है, दूसरा स्प्रिंग बोर्ड, ओके, तीसरा स्प्रिंग डेटा JPA, चौथा स्प्रिंग वेब
एमवीसी पांचवा रेस्टफुल सर्विसेज। देखो जितने तुम लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं ना, अगर उतने पैसों में ये कंटेंट तुम कोई पढ़ा देना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। हमने कहा सिक्स माइक्रो सर्विसेज, सेवन स्प्रिंग सिक्योरिटी, आठवां स्प्रिंग क्लाउड, नौवां और क्या मुझे ऐड करना था, कैशे, दसवां और क्या था, हाँ AWS पे मैं बोल देता हूँ क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ओके और क्या ऐड करना था, डॉकर डिप्लॉयमेंट या फिर डॉकर डिप्लॉयमेंट कहना सही नहीं रहेगा, डॉकर कंटेनराइजेशन लिख देता हूँ, ठीक है इतना बहुत है। और 12 एक और चीज है यार, काफ्का, ठीक है 13 कुबेरनेटिस, 14 और क्या रहेगा, एम क्यू, अबे काफ्का पढ़ा तो रहा हूँ, एम क्यू, हाँ ग्रफाना, ग्रफाना के वाना पे यार लॉग्स भेजने पड़ते हैं ना, तो इट विल बी वेरी हैप्टिक फॉर फ्रेशर्स, वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है तो मल्टी एनवायरनमेंट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट सिस्टम में लॉग्स भेजने पड़ते हैं। हाँ यूनिट टेस्टिंग, ठीक है ओके। अबे चुप कर रहा रिएक्ट पढ़ा दो यार। ठीक है अब ये सारी चीजें तुम्हारे ऑफिशियल बैच में है, ये सारी चीजें तुम्हारे ऑफिशियल बैच में है, ये सब हम कवर करेंगे अब विद इन नेक्स्ट 2 to 3 month। ओके गाइस, अबे कॉलेज वाले पढ़ा दिए तुम्हारे इतना, ठीक है कॉलेज वालों को खुदा आता वो तब पढ़ाएंगे। चल अब मैंने बोला ये सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे विद इन 2 to 3 months, तो अब से थोड़ा सा जो पेस होगा वो फास्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ अंडरस्टैंडिंग हम बहुत ही आराम से करेंगे, ठीक है डेवलपमेंट हम फास्ट करेंगे, तो सबसे पहले तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ऐसे बना दूं कि आता है, और शुरू से मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उसी वे में बनाते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे तुम्हें क्या पढ़ाना है, तो मेरा टीचिंग स्टाइल मुझे पता है कि मैं कैसे आगे क्या चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे कि स्प्रिंग कोर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स, अगर मुझे ये आता है देन आई विल मास्टर ऑल दीज थिंग्स, ओके ठीक है। अब देखो इसमें ना हर कहीं पे फेसेस हैं, हर कहीं पे फेजेस हैं टेक स्टैक चेंज होने के, यहां तक नंबर 5 तक इफ यू हैविंग अ एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास हमारे बैच में स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्विच करना है,
जो एक्सपीरियंस है, जिनको एक्सपीरियंस लगाना है, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आई कैन से दैट कि यहां तक अगर तुम्हें टेक स्टैक आता है एंड इफ यू आर हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 2 ईयर, यू कैन इजिली गो विद दीज टेक स्टैक, बस। ओके, एंड तुम उठा सकते हो 9 से 10 से 15 लाख रुपए इफ यू हैव एन गुड एक्सपीरियंस। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब यहां से, लेकिन अभी की मार्केट खराब है, अभी तुम्हें जो मिले वो ले लेना। ओके, बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ विद 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू इजिली यू कैन गेट इट। अगर मिनिमम से मिनिमम मैं रखूं तो 8 LPA, ठीक है? हाँ, अब यहां से, हाँ, अगर मैं 1 to 2 बोल रहा हूं तो उसमें कॉलेज स्टूडेंट भी आते, ठीक है? अब मैंने वो बोला कि माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग क्लाउड, यहां तक, डॉकर, यहां से इफ यू आर हैविंग 3 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन इजिली गो विद दिस एंड टेक वॉट एवर पैकेज यू वॉन्ट बिटवीन 15 to 20, 25। ओके, ठीक है। अब बारी आती है, अब देखो ये यूनिट टेस्टिंग ना यहीं आ जाता है ऊपर, ठीक है? ये यहीं आ जाए, मैंने यहां पे लिख दिया, ये यहीं आ जाए। अब बारी आती है काफका के 8 प्लस मोर टॉपिक्स जस्ट डेवऑप्स और कंप्लीट 8 एडवांस। ओके, देन यू आर हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ 6 क्लिक्स। ओके, ये टेक स्टैक जाता है वो। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा किस डायरेक्शन में तुम्हें किस चीजों पे फोकस करना है। ओके, तुम्हारे एक्सपीरियंस वाइज मैंने तुम्हें टेक स्टैक बता दिए हैं कि तुम्हें क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके, चल, लेट्स गो गाइस। अब यहां पे जो हम टूल्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला टूल्स पढ़ने वाले हैं, वो तो हमें, तुम्हें पहले बता चुका हूं कि हम मेवन वेवन पढ़ चुके हैं, राइट? अब भैया चलो ठीक है, अब सबसे पहले अब मुझे कोई आंसर करेगा, इसकी शुरुआत करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है भैया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है भैया? भैया जब भी आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हो यही पूछते हो, है ना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, C++। ओके, अब तुम्हें पता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तुम्हें पता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स फॉलो करती है, सिंटेक्स फॉलो करती है, कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती है कि ऐसे ही डिक्लेयर होना चाहिए चीजें, है ना? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अगर मैं तुमसे कहूं, अभी अभी तुमने क्या क्या एप्लीकेशंस बनाई हैं, एप्लीकेशंस बनाई हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, तो मैं कह सकता हूं इनका यूज करके हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। ओ भैया आप कह रहे हो हम क्या बनाते हैं, हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, हम टूल्स बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम फ्रेमवर्क बनाते हैं। बातों पर ध्यान देना गाइस। ओके, ठीक है, फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो भैया अगर लैंग्वेज ये है, अगर लैंग्वेज ये है तो टेक्नोलॉजी क्या होती है फिर, है ना? मैंने सुना है कि आप टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, ए चैट में तुम्हारे लोगों की बात करवा दूं यार? लो रुको, तुम्हारा ये लो, हाय ओमकार, हाय निखिल, नालायक, ठीक है? मैंने बोला फ्रेमवर्क क्या होता है, अब भैया सॉरी टेक्नोलॉजी क्या होती है,
लाइक नहीं हो तुम किसी चीज के, 2 मिनट के लिए चैट क्या खोल दी, रिश्तेदारी बनाने लगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब टेक्नोलॉजी होती है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, टेक्नोलॉजी होती है सॉफ्टवेयर, वो डेवलप्ड बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, अब जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी क्या होती है, सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप्ड हुआ हो यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा भैया, अब समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी क्या होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या यूज की है, सर्वलेट, JDBC, ये सब क्या हुई, ये सब क्या हुई, टेक्नोलॉजी। सर्वलेट मैंने बोला ना कि किसी ने इम्प्लीमेंटेशन दी है तुम्हारी सर्विस की, कि तुम ऐसे कोड लिखोगे, राइट, वो डॉट क्लास फाइल को उठाती है। तो ये सब कैसे हो रहा है पीछे ऑल ओवर द बैकग्राउंड में, किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की होगी, वो ये सारी चीजें कम काम करती है कि मैं अपना कोड वेब एप्स में रख दूंगा तो वो डॉट क्लास फाइल को उठा लेगा, राइट, डॉट क्लास फाइल को उठा लेगा और डिप्लॉय कर देगा। ये सारी कहानी हो कैसे रही है, ये सारी कहानी हो कैसे रही है, राइट। और जब तुम, मैंने तुम्हें बताया कि तुम यहां पे लिख देते हो टॉमकैट में स्टार्टअप, तो ये टॉमकैट तुम्हारा चल जाता है और वो फाइल्स को उठा लेता है, तो ये सारी कहानी कैसे हो रही है। अगर किसी के पास मैकबुक या फिर किसी के पास लिनक्स सिस्टम होगा तो उन्हें पता होगा वहां पे हम, अगर मुझे कोई भी चीज ऑटोमेट करवानी है तो मैं .sh फाइल बनाता हूँ, राइट, मतलब मैं एक शेल स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इसको बोलते हैं हम शेल स्क्रिप्ट। तो जो भी मुझे ऑटोमेट काम करवाना होता है मैं स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ, जैसे कि एक टास्क दे रहा हूं मैं तुम्हें, जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा डेटाबेस है, ये तुम्हारा DB है और ये मेरा सिस्टम है, मुझे हर हर एक घंटे में, हर एक आर में DB पे कुछ कॉल्स लगानी है। तो ये होती है क्रॉन जॉब्स, जॉब्स बना देते हैं हम। तो ये जॉब्स बना सकते हो तुम किसका यूज करके, शेल का यूज करके और लिनिक्स का यूज करके, लेकिन ये क्रॉन जॉब एक टेक्नोलॉजी की तरह देखी जाएगी, लेकिन हम उसको जॉब्स बोलते हैं। लेकिन अभी हमारे कंटेक्स्ट में सर्वलेट क्या हुई, फटाफट हमारे कंटेक्स्ट में सर्वलेट क्या हुई, क्या हुई सर्वलेट क्या हुई, टेक्नोलॉजी। ओके, JDBC क्या हुई, टेक्नोलॉजी। ओके भैया, आ गया समझ में। ठीक है भैया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गई, टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी का यूज करके वी कैन डेवलप सेवरल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। और जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें सारी टेक्नोलॉजी लगती है ना, जैसे सबलेट बनाया, सबलेट में हमने जावा यूज किया, कुछ कॉमन लॉजिक यूज किया, तो हमने प्रोजेक्ट बनाए। जैसे अब तुमने सबलेट का यूज करके कुछ प्रोजेक्ट बनाए, JDBC का यूज करके क्या बनाया, प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में तुमने कुछ बिजनेस लॉजिक लिखा था, जिसमें हम JDBC यूज किया था, बिजनेस लॉजिक लिखा था कि ये होगा तो ये होगा, डेटा डालेंगे। देखो, बिजनेस लॉजिक मतलब जहां पे हम कोड लिख रहे हैं, और कुछ कॉमन लॉजिक लिखा था। अब कॉमन लॉजिक कैसा, अभी समझाता हूँ। देख, अब बिजनेस लॉजिक और कॉमन लॉजिक में क्या अंतर है, ये संजय को नहीं समझ में आ रहा होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट। अरे मुझे पता है मेरा स्टूडेंट कौन कैसा है, ठीक है ठीक है, चल आगे चल प्लीज भैया, चैट ऑन कर दीजिए। अब फिर तुम रिश्तेदारी बनाते हो, अब मैंने कोई तुम्हारी रिश्तेदारी बनाते हुए देख लिया ना तो भगा दूंगा फिर, ठीक है इधर। अरे यार मुझे नहीं पता, तुम लोग अपना देख लो, मत करना, कोई गलत कर दो कोई गलत मत कर दो, इधर देखो पहले, पढ़ाने दो।
मत करें। ठीक है स्नेहा, राज सारे के सारे खिलाफ है, तो अपना रिश्तेदारी बनाने लग जाता है, अब चुप कर। ठीक है, अब देखो एक प्रोजेक्ट है, बिजनेस लॉजिक क्या होता है। ठीक है, और या फिर मैं एक बात बोलूं कि अगर एक प्रोजेक्ट है, ठीक क्या बात है यार, मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है। प्रोजेक्ट है तो मैंने बोला एक बिजनेस लॉजिक क्या होता है, कि हम बात कर रहे हैं भैया बिजनेस लॉजिक की, राइट, बिजनेस लॉजिक की। भैया बिजनेस लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से सुनना जिनको नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि संजय तो मेरे को मैसेज करता रहता है, इंटरेक्ट करता रहता है, इसलिए मुझे पता है संजय का। ठीक है, और कोई इंटरेक्ट नहीं करता इसलिए मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा बिजनेस लॉजिक क्या होता है, तुमने देखा होगा जब मैं, और ये कॉमन लॉजिक क्या होता है, कॉमन लॉजिक क्या होता है, तुमने देखा कि जब मैंने तुम्हें एक JDBC एप्लीकेशन बनवाई थी, पार्किंग सिस्टम, एक एक हमने पार्किंग सिस्टम बनाया था, और एक हमने कुछ होटल बुकिंग मैनेजमेंट भी बनाया था, फिर हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट भी बनाया था, है ना, कुछ होटल होटल बुकिंग भी बनाया था क्या, है ना, बैंक एप्लीकेशन बनाई थी, है ना, बैंक एप्लीकेशन बनाई थी। बैंक ऐप बनाई थी। अब मैंने भूला कि इन सब में हमने कुछ कॉमन लॉजिक लिखे थे, जो मैंने भी लिखा था, तुमने भी लिखा था, जैसे कि JDBC के कनेक्शंस। अब यहाँ पे कॉमन लॉजिक क्या लिखा था, जब JDBC से कनेक्शन बना रहे थे, URL डाल रहे थे, तो तुमने देखा होगा अगर तुम जितनी भी तुमने एप्लीकेशंस बनाई थी, चाहे वो पार्किंग एप्लीकेशन हो, चाहे वो बैंकिंग एप्लीकेशन हो, हर जगह तुमने वो JDBC की जो 5 लाइन थी, 5 लाइन, 5 से 6 लाइन थी, वो कॉमन लाइन लिखी थी, हर में कॉमन लाइन थी कि ड्राइवर ड्राइवर डॉट गेट कनेक्शन, जो मैंने तुम्हें कल भी बताया है कि जो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पे चलता है ना। तो ये था हमारा कॉमन। अच्छा भैया बिजनेस लॉजिक क्या होता है, तुम्हें पता हो पार्किंग वाला या बैंक वाला जब हम बना रहे थे, हमने देखा था कि अच्छा प्रिंट, हमने बोला कि प्रिंट बैंक डिटेल, प्रिंट बैंक डिटेल्स, या फिर हमने बोला था डिपॉजिट, या फिर हमने बोला था क्रेडिट, ये सारे यहां पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। चलो प्रिंट वाले को तो हटा दो फॉर अ टाइम बीइंग, इट्स मेकिंग यू कंफ्यूज, बस इतना बताओ कि डिपॉजिट क्रेडिट, और ये जब हम दोनों चीजें जब हम कर रहे थे, डिपॉजिट क्रेडिट, ये सारी चीजें जब हम कर रहे थे, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा था, इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लग रही थी, वी कैन से दैट लॉजिक। तो ये क्या हो गया मेरा बिजनेस लॉजिक। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्लियर नाउ, क्लियर एवरीवन, राइट, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मुझे फर्क पता चलना चाहिए बिजनेस लॉजिक में और कॉमन लॉजिक में क्या है। ऐसा कोड जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, पता चल गया। हाँ चलो अब चलते हैं भैया, व्हाट इज अ फ्रेमवर्क, ओके ये है क्या और मार्केट में आया क्यों। ओके अब कुछ लूप होल्स हैं टू, मैं ये कह सकता हूं टू ओवरकम लूप होल्स। लूप होल्स ऑफ किसका, किसके लूप होल्स, टेक्नोलॉजीज,
अभी तो वो डिस्कस कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज। अरे यार राज गधा है तू। ठीक है, टेक्नोलॉजीज फ्रेमवर्क केम है ना पिक्चर। ठीक है, अब फ्रेमवर्क है क्या भैया? सबसे मेन मुद्दे का क्वेश्चन आता है, भैया फ्रेमवर्क है क्या? तो मैं बोलूं कि फ्रेमवर्क इज सेमी डेवलप्ड। सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। सेमी डेवलप्ड भैया, हमें ना समझ में आया कुछ भी। ठीक है कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा। सेमी डेवलप्ड का मतलब फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करता है तुम्हें? फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करता है? कॉमन लॉजिक फॉर एप्लीकेशन जो तुम डेवलप करोगे। ठीक है, और जिस कॉमन लॉजिक को हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। तो जब इंटरनेट पे देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि फ्रेमवर्क क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को हटा देते हैं और डेवलपमेंट को और फास्ट करते हैं। जैसे कि अब JDBC में जो हम बार बार करते थे गेट कनेक्शन फलाना ढिमकाना, वो सब हट जाएगा फ्रेमवर्क में। कुछ नहीं, इट विल मैनेज एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। बस एक क्लिक पे, एक लाइन ऑफ कोड पे अपना काम हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो क्या मैं, याद रखना कॉमन कोड को बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड्स रीयूजेबल कोड, रीयूजेबल कोड और कॉम्पोनेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब एक जावा डेवलपर क्या क्या लिखता है JDBC कोड में? लेट्स सी, अगर हम एक जावा डेवलपर की बात करें, अगर फ्रेमवर्क नहीं होते तो हम लिख रहे होते क्लास डॉट फॉर नेम। यहां पे कुछ लिखो, क्लास लोड करो, और हम लिख रहे होते ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। यहाँ पे कुछ लिखो, फिर हम लिख रहे होते क्रिएट स्टेटमेंट, फिर हम लिख रहे होते एग्जीक्यूट क्वेरी, फिर हम लिख रहे होते, हम क्या करते रिजल्ट सेट निकालते, फिर हम कनेक्शन को क्लोज कर देते। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इतना लंबा चौड़ा काम एक सिर्फ क्या करने के लिए? डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। और ये हमें हर बार करना पड़ रहा था, राइट? तो हम क्या कह रहे हैं कि इस कोड को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम लिख रहे हैं, मल्टीपल टाइम। तो जो कोड हम बार बार रिपीटेटिव लिखते हैं, तो ये कोड जो हम अपने बार बार लिखेंगे, मतलब हमें रिक्वायरमेंट है अगर हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है तो, उनको हम क्या कहते हैं, बार बार लिख रहे हैं अननेसेसरी बॉयलर प्लेट कोड। बढ़िया, या फिर अगर कोई चीज तुम बार बार लिख रहे हो तो उसको तुम और क्या बोल देते हो? रिडंडेंट कोड। पढ़ा है ये उसमें तुम्हारे इंजीनियरिंग में एक वो होगा DBMS, रिडंडेंट ट्रांजेक्शन, पढ़ा है? चलो, अब हमने बोला कि अब ये डुप्लीकेट कोड आ रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए और कॉमन लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए फ्रेमवर्क पिक्चर में आया। क्योंकि जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, दोबारा से लिख रहा हूं, जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें किस चीज की नीड होती है? जल्दी बताओ फटाफट,
बिजनेस लॉजिक और संजय, बिजनेस लॉजिक और कॉमन लॉजिक, नाउ यू आर गेटिंग इट गाइस, नाउ यू आर गेटिंग इट, ओके ओके भैया। अब फ्रेमवर्क क्यों होते हैं? क्योंकि ये डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि जब मैं इतनी 3600 लाइनों कोड बार बार लिखूंगा किसी चीज के लिए, तो मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा यार। ठीक है, अब फ्रेमवर्क क्या क्या है भैया? फॉर एग्जाम्पल जावा, जावा के टर्म्स में बात करूं तो हाइबरनेटिक फ्रेमवर्क है, कल भी बताया था स्ट्रक्ट एक फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में डीजेंगो होता है, फ्लास्क होता है। अगर मैं सेल्स फोर्स की बात करूंगा, सेल्स फोर्स में लाइटनिंग करके कुछ होता है। अगर मैं डॉट नेट की बात करूं तो डॉट नेट में WCF होता है। दीज ऑल आर फ्रेमवर्क। ओके, अब समझ में आया हाइबरनेट क्यों बनाया लोगों ने, अब समझ में आया स्प्रिंग क्यों बनाया लोगों ने। ठीक है भैया, ये तो फ्रेमवर्क हो गया, लेकिन फ्रेमवर्क के साथ हम कुछ और भी चीजें यूज करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर दे, उनको हम बोलते हैं टूल्स। ओके भैया, टूल कैसे? टूल कैसे? देखो सेल्सफोर्स क्या है, अरे ये भी एक अलग ही टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अभी उस पर ध्यान मत दो। देखो यही कल विवेक कर रहा था ना, बाद में फिर ग्रुप में बोल रहा था कि भैया मैंने क्या पूछा, तो मैं क्वेश्चन इग्नोर कर देता हूँ, रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि आई हैव लर्न दिस। अब तुम लोगों ने देखा होगा इनिशियली वी आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम राइट इन इनिशियल क्लासेस, तो और अभी हम सिर्फ नहीं करते क्योंकि मैं इग्नोर कर देता हूँ राइट, तो ये मैंने सीख लिया ठीक है, तो मैं भी सीख रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है, तो अभी हमारी क्लास स्मूथ चलती है बिकॉज हम इग्नोर कर देते हैं। बट मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मैं क्वेश्चन उठा नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा क्वेश्चन इग्नोर कर रहा हूँ तो इट्स टोटली इरेवेलेंट टू द टॉपिक, ठीक है, ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे क्यों नहीं कहूँ भाई, तुम लोगों को ही लगता है ना, और वो ठीक भी है यार, हम पहले 1 घंटे पढ़ते थे तो उसमें से 20 मिनट बर्बाद चली जाती थी, ठीक है, तो समवन सजेस्टेड मी दिस, स्नेहा या फिर अर्ची ने बोला कि सर इग्नोर कर, आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, ओके कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब हमने बोला कि टूल्स कौन से होते हैं, टूल्स कौन से होते हैं, अभी तक मैंने तुम्हें टूल्स यूज करवा दिए हैं, वैसे टूल्स होते हैं भैया मेवन, अब आएगा मतलब जीरा, जेनकिंस, जेमीटर, पोस्टमैन, एंड सोनार क्यूब, क्यूब बार लिख देते हैं। आप समझ में आया पूरा टेक स्टैक एक जावा डेवलपर का कैसे चलता है? अब भैया ये किस लिए चलते हैं, ये क्या है? बिल्ड टूल है, ये तो हम देख चुके हैं। जीरा क्या होता है? तुम्हारा जो काम कर रहे हो उसको ट्रैक करने के लिए होता है, जब अपने कंपनी ऑफिस में जाओगे तो तुम्हें मिलेगा, ठीक है, एक जीरा टिकट मिलेगी, तुम्हें उस पर काम करना होगा, तो वो तुम्हारी, और ये जरूरी होता है देखो, ठीक है, अगर ये तुम जीरा करोगे तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। अब जैसे फिर मैंने बोला जेनकिंस क्या होता है, कि ऑटोमेट करने के लिए होता है, जो CI/CD पाइपलाइंस होती है, CI/CD पाइपलाइन इसी से चलती है,
ठीक है, जब डेवऑप्स वाले इसी को करते हैं कि वो तुमसे बोलेंगे जेनकिंस पे जाओ और एक जॉब ट्रिगर कर दो, तो तुम्हारा कोड तुम्हारे सर्वर में डिप्लॉय हो जाएगा। जैसे कि अभी हम टॉमकैट पे डिप्लॉय कर रहे हैं, मैनुअली मैनुअली टॉमकैट पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये डेवऑप्स वाले क्या करते हैं, जेनकिंस पे जॉब्स लिख देते हैं कि जब भी तुम अपने, देखो ये कैसे चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, अब एक डेवलपर है, ठीक है, एक डेवलपर है, उसने अपनी मशीन में कुछ कोड किया, ये उसका कंप्यूटर है और ये बिट बकेट है, ये क्लाउड पे होती है। ठीक है, तो उसने कुछ कोड किया और अपनी मशीन में डाल दिया। ठीक है, तो यहां पे जेनकिंस में एक जॉब लगी हुई है कि जब भी ये कोई कमिट करेगा, ठीक है, उसको ये जॉब उठा के सबसे पहले क्यू एनवायरमेंट पर डाल देगी। क्यू एनवायरमेंट मतलब देखो ऐसा समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप है, एक लैपटॉप है, दूसरा लैपटॉप है, तीसरा लैपटॉप है, ऐसे ही एनवायरमेंट है, मतलब सर्वर्स है जहां पे तुम्हारी मशीन चल रही है, जहां पे तुम्हारी एप्लीकेशन चल रही है, तो क्यू एनवायरमेंट पे डाल देती है। क्यू पे यहाँ पे तुम्हारा जो टेस्टर होगा वो टेस्ट करेगा, अगर वो पास हो जाएगी देन हम इसको एसआईटी पे डाल देंगे। अगर एसआईटी पे सब कुछ सही रहेगा, तुम भी टेस्ट करोगे, ये भी टेस्ट करेगा, देन वी विल मूव इट टू द प्री प्रॉड। ठीक है, अब प्री प्रॉड पे भी सब कुछ सही रहेगा, ठीक है, और सबके अप्रूवल्स वगैरह आ जाएंगे, देन वी विल मूव इट टू द प्रोडक्शन। ये जो होती है एप्लीकेशन, ये पब्लिक को दिखती है, उसके पीछे इतना तामझाम होता है एक एप्लीकेशन को लाइव ले जाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, मतलब तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या होता है। हाँ? अरे कोई पूछ रहा है ये क्यूए और एसआईटी का क्या मतलब है। देखो ये एक एनवायरनमेंट है अलग अलग, इनकी फुल फॉर्म क्या है। क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टिंग, यहाँ पे क्यूए की ब्रांच होती है, ये क्यूए का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे जो टेस्टर्स होंगे ना तुम्हारी कंपनी में, टेस्टर वो ये बोलते हैं कि अब देखो तुम्हारा ये कोड है, ये तुम्हारा कोड है और ये टेस्टर है, तो तुम्हारा कोड ये टेस्टर के तुम्हारी मशीन पे आके टेस्ट करेगा इस कोड को, नहीं ना, इसको ये किसी ना किसी एनवायरनमेंट पे चाहिए होगा रनिंग कोड, तो ये बोलता है कि मुझे क्यूए पे डाल के दो तब मैं टेस्ट करूंगा, मतलब इसको एक सर्वर में डाल के दो, उसको हम बोलते हैं क्यू एनवायरमेंट यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस। एसआईटी पे ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, फिर ये प्री प्रॉड, फिर हम प्रोडक्शन जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी कंपनी में अलग अलग हो सकता है कि क्यू एसआईटी और प्रोडक्शन हो या फिर प्री प्रॉड प्रोडक्शन हो, बट हम जनरली यही फ्लो चलता है। ठीक है, चलिए गाइस, भैया यहाँ तो क्यूए प्रॉड है डायरेक्ट। हाँ होता है, ऐसा होता है बहुत सी कंपनी में होता है क्यूए फिर प्रॉड। ठीक है, चलो अब एक आर्किटेक्चर देखना है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे चलता है। ठीक है, मैंने बोला कि भैया यहाँ पे एक मेरी एप्लीकेशन होगी जिसको मैं बोलता हूँ यूआई, जिसको मैंने बोला यूआई, ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन है जिसको मैंने बोला यूआई। ठीक है, एक मेरी बैकएंड एप्लीकेशन होगी, एक मेरी बैकएंड एप्लीकेशन होगी, ओके, और फिर मेरा ये हर जगह का है, बस ध्यान से सुनना, ठीक है, और फिर मेरा होगा डेटाबेस। गेटिंग इट क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर? हाँ, गेटिंग इट। अब जब तुम्हारे
यूआई की बात चल रही है, फ्रंट एंड की बात चल रही है, तो यहां पे हम एक लेयर रखते हैं जिसको हम बोलते हैं ये है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, जैसी हमारी यूआई दिखेगी। बस ध्यान रखना अब जो जो मैं बोलूंगा, ठीक है, इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। और यहां पे जो भी चीजें चलती हैं, यहां पे जो भी चीजें चलती हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरी जो बैकएंड एप्लीकेशन है, मेरी जो बैकएंड एप्लीकेशन है, मैं बोलूं जो मेरी बैकएंड एप्लीकेशन है, इसमें कंपोनेंट होते हैं, मतलब लेयर्स होती है। लिख दो सर कौन सा बॉक्स क्या है। अरे विक्रांत पहले पूरा ड्रॉ तो करने दे यार। ठीक है, इसमें कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, क्या कंपोनेंट क्या होते हैं, एक होती है वेब लेयर। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, एक होती है वेब लेयर, ओके, ठीक है। अब एक होता है बिजनेस लेयर, ओके, समझ में आ गया। फिर होती है हमारी बहुत से लोग इंटीग्रेशन लेयर बनाते हैं, नहीं तो फिर होती है हमारी डाउन लेयर, ओके भैया, ऑल थिंग्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले भैया ये क्या क्या चीजें, कैसे कैसे क्या क्या होता है। दिस इज योर, यहाँ पे होता है यूआई, यानी कि मैं बोलता हूँ यूआई, ठीक है, और मैं बोलता हूं इसको होता है प्रेजेंटेशन लॉजिक। यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंटेशन लॉजिक, ओके। फिर तुम्हारा यहां पे ये क्या है वेब लेयर, ये क्या है वेब लेयर, और ये क्या है बिजनेस लेयर, और ये क्या है, इसको हम दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लेयर या फिर डाउन लेयर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इंटीग्रेशन लेयर प्लस डाउन लेयर, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर, ओके, बढ़िया बढ़िया। और ये क्या है, पीछे लगे है डेटा बेस, समझ में आया एक एप्लीकेशन कैसे बनती है, समझ में आ रहा है क्या, ये डेटा बेस। अब यहां यूआई को बनाने के लिए, यहां यूआई को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर मैं एक यूआई की बात करूं तो यूआई को बनाने के लिए मैं क्या यूज करता हूं भैया, एचटीएमएल, सीएसएस, और मैं बोलूं जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप और एंगुलर, ठीक है। और एक बैकएंड की लेयर बनाने के लिए, एक बैकएंड की लेयर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेब लेयर पे हम यूज करेंगे रेस्ट एपीआई, ठीक है, ठीक है। और ये तुम्हारी बिजनेस लेयर, ये तुम्हारी इंटीग्रेशन लेयर, ये सब फ्रेमवर्क जावा कोड से करेंगे। तो बैकएंड में हमारा टेक स्टैक क्या यूज होगा भैया, पहला जावा, क्या क्या यूज हो सकता है, जावा एंड J2EE, जो एडवांस जावा है उसको हम J2EE बोलते हैं, एडवांस जावा कुछ नहीं होता, J2EE होता है, ठीक है। फिर हमने बोला स्प्रिंग कोर, फिर हमने बोला स्प्रिंग बूट, फिर क्या यूज होगा जेपीए, और क्या यूज होगा रेस्ट, और क्या यूज होगा जेसन, और क्या यूज होगा माइक्रो सर्विसेज, और क्या यूज होगा सिक्योरिटी, और क्या यूज होगा
बस इतना काफी है। ठीक है, कैसे, आई होप यू आर गेटिंग इट, कि हम बैकएंड कैसे बनाएंगे और डेटाबेस में क्या होगा भैया। डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस लेयर को हम बोलते हैं परसिस्टेंस लेयर। परसिस्टेंस का मतलब मैंने तो बताया था, परसिस्टेंस स्टोर बोलते हैं, परसिस्टेंस का मतलब परमानेंट स्टोरेज। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो ओरेकल से कर लो, या फिर MySQL से कर लो, या फिर मोंगो से कर, या फिर पोस्टग्रेस से कर लो। आई होप यू आर गेटिंग इट गाइस। पूरा चित्र क्लियर हुआ कि एक एप्लीकेशन कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, क्या क्या यूज करेंगे, है ना? क्लियर हो रहा है? हाँ अब देखो, मैंने बोला कि मैंने क्या पढ़ा यहां से, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, है ना? अब तुम्हारा जो काम का क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि भैया आजकल माइक्रो सर्विसेज बहुत चल रहा है, तो माइक्रो सर्विसेज चल रहा है, पहले कुछ और चलता था, तो यहां से चीजें निकल के आती हैं आर्किटेक्चर टाइप्स। ओके, आर्किटेक्चर टाइप्स। अब आर्किटेक्चर टाइप्स क्या होते हैं भैया, आर्किटेक्चर टाइप्स क्या होते हैं भैया, है ना? तो पहले टाइप में आता है मोनोलिथिक, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। दूसरे में आता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ओके, मोनोलिथिक क्या होता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझा रखा है, फिर से समझा देता हूं कि अगर मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है जस्ट लाइक जोमेटो, ओके, या फिर बुक माई शो, ठीक है, तो लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बुक माई शो। तो अगर एक मेरी एप्लीकेशन चल रही है, तो यहीं पे अगर मेरी सारी सर्विसेज है एक एप्लीकेशन में ही, ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक सर्वलेट बनाई, कल हमने जो सर्वलेट देखी, राइट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, वहां पे शो रिजल्ट भी एक ही प्रोजेक्ट में था, है ना, जिसको हमने स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रखा था। जैसे हमने, चल कल का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे हमने कल एक स्टूडेंट ऐप बनाई थी, है ना, तो स्टूडेंट ऐप में हमने देखा था कि एक तो हमारी स्टूडेंट सर्वलेट थी, ठीक है, और एक हमारी शो रिजल्ट थी, जो उसको लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखा रही थी, है ना, और एक और था कुछ कंपोनेंट। मैं मान लेता हूं कि मेरा एक कंपोनेंट था कि जिसमें एरर आ रही थी, राइट, नहीं फिल्टर एक अलग नहीं है राज, वो सर्विस नहीं है, ठीक है, दैट इज फिल्टर। तो ऐसे हमने दो 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 एप्लीकेशन बनाई थी, है ना, जो अलग अलग काम कर रही थी। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे जोमेटो चल रही है या बुक माई शो चल रही है, जो तो मैं एप्लीकेशन मान रही है। अब एक ऑर्डर सर्विस होगी, एक ऑर्डर सर्विस होगी जो ऑर्डर लेती होगी, ठीक है, और एक होगी फैच रेस्टोरेंट सर्विस, जो नियर बाय रेस्टोरेंट दिखाती है, तुमसे पूछती है ना लोकेशन अलाउ करो, है ना, तब नियर बाय रेस्टोरेंट दिखाती है। एक होगी नोटिफिकेशन सर्विस, जब भी तुम कुछ परचेज कर लोगी वो तुम्हें दिखाएगी, है ना, और एक होगी तुम्हारी कार्ड सर्विस, जो जो तुम रख लोगे वो तुम्हें दिखाएगी, है ना, और एक होगी तुम्हारी पेमेंट सर्विस, जो भी तुम डिटेल दे दोगे, जो भी तुम डिटेल दे दोगे वो डिटेल तुम्हारी रख लेगी। तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा आर्किटेक्चर होगा, ये पूरा आर्किटेक्चर होगा एक ही सर्विस में, मतलब एक एप्लीकेशन में मेरी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज चल रही हैं,
तो इसको मैं बोलता हूं मोनो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब देखो, अगर इसकी एक, अब तुमने देखा था हमारी किसी एक सर्वलेट में दिक्कत आती थी तो हमारा पूरा सिस्टम डाउन हो जाता था। तो अगर इसकी पेमेंट सर्विस में दिक्कत आई, अगर ये इसकी पेमेंट सर्विस है इसमें दिक्कत आई तो होल एप्लीकेशन विल डाउन। अगर इसकी नोटिफिकेशन सर्विस में दिक्कत आई है ना, अगर इसकी ऑर्डर सर्विस में दिक्कत आई, अगर मैं बोलूं इसकी व्यू सर्विस में दिक्कत आई, अगर इसकी मैं बोलता हूं कि रेस्टोरेंट सर्विस में दिक्कत आई, किसी में भी दिक्कत आई, तो होल एप्लीकेशन विल डाउन। सारा इंपैक्ट एप्लीकेशन पे पड़ेगा और जो भी बिजनेस यूजर होगा वो भाई बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। और मैं कह सकता हूं कि इसके लिए मुझे हैवी कोड बेस भी चाहिए, कोड बेस भी बहुत हैवी हो जाएगा, हैवी कोड बेस, राइट? क्योंकि इतनी सारी सर्विसेज एक ऐप में लिखी जाएंगी। और मैं कह सकता हूं कि जब एक ऐप में मुझे दिक्कत आएगी, ठीक है, तो भैया ये एक ऐप में दिक्कत आएगी तो सभी सब एप्लीकेशन जो सर्विसेज हैं उनको डिप्लॉय करने का क्या मतलब है? एक है, एक को करो, लेकिन नहीं, इसमें सारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी दोबारा से। तुमने देखा था हमारी एक सर्वलेट में दिक्कत थी तो हमने दूसरी सर्वलेट भी डिप्लॉय कर रखी थी, देखा था ना, एक बार अगर हमने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो भी डिप्लॉय हो रही है जो साथ में है ना। आप समझ में आया अनिल लाल, जो मैंने तुम्हें अभी सर्वलेट और डिप्लॉय और सर्वर पढ़ाया वो कितना जरूरी है? आप समझ में आ रहा है? एकदम से खटाक से दिमाग में जा रहा है, चमक रहा है। और अब मैं तुम्हें वो सर्वलेट डिप्लॉय सर्वर्स एवरीथिंग नहीं पढ़ाता तो क्या ये समझ में आता? नहीं, दैट्स व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट। अब भैया माइक्रो सर्विसेज क्या होती है? माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं? देखो मैंने बोला कि अब देखो हमें क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन है, जैसे जोमेटो की बात करते हैं तो प्रोडक्शन सर्वर है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर दे रखे होते हैं, ये एक सर्वर है और इनके जोन अलग होते हैं, ठीक है, ये दूसरा सर्वर है और ये तीसरा सर्वर है। जनरली हम कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशंस को ज्यादा से ज्यादा विजिबल रखें, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय करें, ठीक है। तो मोस्टली कंपनियां क्या करती है, चार सर्वर्स रखती है, ठीक है, छोटी से छोटी कंपनी, लेकिन हमारे तो बहुत सारे सर्वर्स हैं, पेटीएम के हमसे भी ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज उनका यूजर बेस बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही जो भी एप्लीकेशंस होंगी, जैसे कि अडोबी है, अडोबी के बहुत सर्वर्स हैं, ठीक है, जो डिप्लॉयड है। मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे, शुभजीत कह रहा है सर आपकी प्री प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ रिलेट हो रहा है। अरे पता है ना, देखो मुझे किस वे में पढ़ाना है, ये तो एक्सपीरियंस है ना, मैं सब कुछ प्लान करके पढ़ाता हूँ पहले से, क्या करना है क्या है, ठीक है, इट्स नॉट प्री प्लानिंग शुभजीत। मैंने ना सोचा भी नहीं है कि मैं ऐसे तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे बस वो पता है कि मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा फ्लो, और मैं जानबूझ के वो चीजें छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें उस डायरेक्शन में पढ़ाता हूँ, तो तुम कह सकते हो कि एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा कुछ मैं प्लान नहीं करता, बट वो मुझे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में तुमको लेके जाना है, ठीक है। चलो अब मैंने बोला कि देखो तुम्हें सर्वर मिल जाते हैं, ठीक है, तुम्हें सर्वर मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो सर्वर का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ठीक है, जैसे कि अभी मेरा कंप्यूटर है, ऐसे ये कंप्यूटर दे देते हैं तुम्हें, ठीक है। सर्वर में कंफ्यूज मत होना, ये मैं अपने कॉलेज में था ना तो सर्वर में वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था, तो ऐसे कि तुम्हें एक एक कंप्यूटर मिलता है, और कंप्यूटर क्या होता है, ये मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं लिनक्स मशीन। देखो लिनक्स क्यों मिलती है, देखो लिनक्स ना कॉस्टली नहीं है और एक तो ओपन सोर्स मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लिनक्स में हम परमिशंस दे सकते हैं और लिनक्स डायरेक्टरी बेसिस पे चलता है, और मैं जिस डायरेक्टरी में चाहूँ उस डायरेक्टरी में परमिशंस लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि इसमें ऐसे चलते हैं हम, रूट के अंदर मान लो पड़ा है मेरा लेट सपोज टेम्प पड़ा हुआ है, और रूट के अंदर कोई डायरेक्टरी पड़ी हुई है, जैसे कि मैंने बोला जावा, तो मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ मैं स्पेसिफिक ग्रुप को ही दिखाऊंगा तो वो स्पेसिफिक ग्रुप भी दिखेगा। उबंतु है वो बकवास है उबंतु, ठीक है, अगर उबंतु ही यूज करनी है तो लिनक्स क्यों यूज कर रहा है, उबंतु तो विंडोज की तरह ही है।
ठीक है ठीक है, तो मैंने बोला जावा पे अगर मुझे परमिशन लगानी है, अगर मुझे जावा पे ही परमिशन लगानी है कि जावा को कोई यूज ना कर पाए, या तो मैं यूज कर पाऊं जो ओनर है, या फिर मैं एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूं वो यूज कर पाएंगे और वो भी रीड कर पाएंगे बस, ठीक है, तो कर पाएंगे। और तुम अगर इसको खोल के देखोगे टेम्प को, तो इसे हर कोई कर पाएगा, तो ऐसा हो जाता है। विंडोज में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, या तो पासवर्ड लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, विंडोज में नहीं हो पाता है। हाँ, हालांकि विंडोज अपने नए वर्जन में ये देने लगे हैं फीचर्स, ठीक है। अब मैंने बोला ये क्या मशीन होती है, लिनक्स होती है। लेकिन एक और परेशानी है, अगर मेरी कंपनी, लेट सपोज ऐसी कोई भी कंपनी है, अगर वो ऐसे हजारों सर्वर ले रही है, तो भाई लिनक्स का तो हर एक सिस्टम का अलग अलग लाइसेंस होता है ना, विंडोज का लाइसेंस होता है ना, और तुम्हें क्या लगता है कंपनी पायरेटेड करके चला लेगी? नहीं भाई, पायरेट में बग होते हैं, तुम्हारे वो होते हैं इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो जो भी कंपनी का वायरस होते हैं, हाँ राज ठीक बोला, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, वायरस होते हैं, तो ये वायरस कुछ नहीं, ये भी रनिंग कोड है, तो जितना भी तुम्हारा जो कोड होगा इंपॉर्टेंट कोड, ये अपने सर्वर पे जाके रख देगा उसको, इनके भी कुछ सर्वर होंगे जहां पे ये डेटा भेज रहा होगा। अब जैसे तुम डेटाबेस में डेटा भेज सकते हो, ये कोड किसी किसी सर्वर पे भी तो डेटा भेज सकता है, तो नहीं, पायरेटेड विंडोज बकवास, ये नहीं चलाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का इश्यू है। ओके, तो ये क्या चलाएंगे, लाइसेंस विंडो, और लाइसेंस विंडो तुम्हें पता है कितनी कॉस्टली होती है, राइट, वन टाइम होती है, लेकिन अब मुझे फिर उसको अपग्रेड भी करना है, उसके लिए कॉस्ट चाहिए, और हजारों लाखों सर्वर है भाई, मैं कैसे ले लूंगा इतना कॉस्ट, ठीक है, तो दैट्स व्हाई कंपनी ऑलवेज प्रेफर अ लिनक्स सिस्टम। ओके, तो अब मुझे लिनक्स सिस्टम मिल गया। ओके, और सबसे खास बात इस सिस्टम को मुझे लगती है, ये कभी वो नहीं होता, जैसे विंडो करप्ट हो जाती है ना, कभी करप्ट नहीं होता, ठीक है। अब मैंने बोला लिनक्स, ओके, अब ये इन सर्वर्स पे तुम्हें क्या मिलता है पता है, आईपी मिलती है, आईपी, जैसे कि मान लो 192.168.17.33, ऐसे करके तुम्हें आईपी मिल रही है, और ये सेम है, यहाँ पे तुम्हें 34 मिल गया, यहाँ पे तुम्हें 35 मिल गया, यहाँ पे तुम्हें 36 मिल गया, ठीक है। आईपी मतलब ये इनका एड्रेस है, इनको तुम पहचान सकते हो यहाँ से, ठीक है, इनको एक्सेस कर सकते हो, ये डिप्लॉयड है क्लाउड पे, ठीक है, या तो प्राइवेट सर्वर होता है या क्लाउड होता है, मतलब डेटा वेयर हाउसेस, मतलब ऐसा मान लो कि तुमने, किसी बंदे ने एक आईपी दे दी, वहां पे तुम्हें अपना कोड रखना है। अब बात समझ में आ रही है, जैसे अभी अपने सिस्टम में रख रहे हो, अब तुम्हें किसी और के सिस्टम में रखना है, बस वो तुम्हारे पास नहीं है, वो क्लाउड पे है, मतलब इंटरनेट पे है वो सिस्टम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे राज के अलावा किसी का भी मैसेज नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जस्ट लेट मी नो, तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, संजय बोल ना, नहीं आ रहा है तो यार मैं क्यों बैठा हूं यहां पे, अभी तेरे को समझ में नहीं आ रहा, आधे घंटे बाद फिर मेरे को बोलेगा कि भैया समझ में नहीं आया, अबे किस चीज का डर लगता है, अबे मुझसे क्या डर लगता है, मैं क्या तेरे को राक्षस देख रहा हूं क्या, अबे देख मैं तेरे को सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मैं तेरे पे चिल्लाऊंगा तो तेरा डाउट तो क्लियर होगा ना, अब मैं तुझे तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, अगर मैं तुझ पे चिल्ला भी रहा हूं उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा ना, खैर अभी तो मैं तुझ पे नहीं चिल्ला रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुझे चिल्ला रहा हूं तो कुछ उल्टा सीधा मुझसे पूछ रहा है, लेकिन तेरा कर्तव्य बनता है कि तू पूछेगा, चाहे मैं तुझसे 50 बार चिल्लाऊं, अब तेरी बातें भी मुझे तुझे ही समझानी पड़ रही है, ठीक है, तो तेरा कर्तव्य है, तेरे को जब तक समझ में नहीं आता तो पूछेगा, ठीक है। अब बस एक और यहां पे एक थिन लाइन होती है, देख मैं तेरे को बताऊं, रेस्पेक्ट के बीच में और नॉन रेस्पेक्ट के बीच में, यहीं पे अगर मैं तुझे चिल्ला रहा हूं तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तुझसे क्या कह रहा हूं, मतलब तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि तू पढ़ रहा है एंड मैं तेरे लिए एक टीचर हूं,
अगर तू उस डायरेक्शन से देख रहा है कि अरे ये मेरे पे क्यों चिल्ला रहा है, तो फिर यू कैन लीव अ क्लास, समझ रहे हो? तो फिर तुम मत पूछो। अगर तुम्हें डाउट क्लियर पूछने हैं, ठीक है, तो तुम्हें डांट भी सुननी पड़ेगी और मार भी खानी पड़ेगी। इस क्लास के बाद तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, मतलब मेरे साथ क्या होता था स्कूल में, तुम्हें लगेगा, पर पहले मैं ये क्लास कंप्लीट कर लूं, ठीक है? पर तुझे जब तक क्लियर नहीं हो रहा है, देखो दिस इज नॉट स्पेशल फॉर संजय, ठीक है, वो मेरे चाचा का लड़का नहीं है, दिस इज फॉर एवरीवन। तुम्हें जो पूछना है पूछो, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें मार पीट नहीं रहा हूं, ठीक है, चिल्ला रहा हूं, तो थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है? पर जब तक समझ में नहीं आता तब तक पूछो, डोंट वेस्ट योर इमोशंस और योर एनर्जी इन अदर डायरेक्शन, क्योंकि बाद में जाके सर्च करोगे नहीं समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे पूछ लोगे, हाँ जो चीज मैं सर्च करने के लिए दूंगा वो जरूर करोगे, क्योंकि मुझे पता है ना मुझे तुम्हें क्या देना। ओके, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर मैसेज टू ऑल, राइट? ठीक है, अबे वुमन तो यूज कर रहा है वही करता है, कोई दिक्कत, फालतू नया ओएस डाले। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ अभी ये एग्जांपल किस किस को नहीं क्लियर है कि ये सर्वर्स क्या होते हैं, आईपी क्या होती है? नहीं क्लियर है ना? चलो चलो एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, एक मुझे टास्क ऐड करता हूँ। तुम्हें ये दिख रहा है, लाइक मेरी स्क्रीन दिख रही है, व्हाट इज AWS EC2? तो ये तुम्हें कुछ यहाँ पे दिख रहा है, Amazon EC2 प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, है ना? अब लेकिन EC2 है क्या, ठीक है, वो देखना है मुझे, Amazon EC2, ठीक है, ये क्या कह रहा है? Amazon EC2 इज अ वेब सर्विस दैट प्रोवाइड यू सिक्योर रिसाइजेबल कंप्यूटर कंप्यूट कैपेसिटी इन दी क्लाउड। अब कंप्यूट कैपेसिटी का मतलब एक कंप्यूटर ही देता है तुमको, बस कहां पे देता है, एक क्लाउड पे, क्लाउड पे, जो क्लाउड किसका है, Amazon का। क्लाउड किसका है, Amazon का। यूज केस क्या है इसका, रन क्लाउड नेटिव एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस पे रन करते हो तुम, किस पे रन करते हो, कंप्यूटर पे ना। तो EC2 Amazon की एक सर्विस है जो तुम्हें क्या देती है, मशीन देती है, मशीन देती है। देखो मैंने बोला Amazon EC2, तो ये तुम्हें कैसी मशीन देगी, लिनक्स मशीन देती है तुम्हें ये, और तुम विंडोज भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, समझ में आया? अब मान लो कि तुमने, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, फ्री टायर ऑफर 12 मंथ फ्री। अब देखो ये क्या लिख रहा है, T2 माइक्रो लिनक्स 750 R ऑफ मंथ फ्री लिनक्स मशीन मिलेगी तुम्हें, जिसमें क्या है, रेल है, SLES है, T2 माइक्रो ये मशीन का टाइप है, T3 माइक्रो इंस्टेंस, डिपेंड ऑन द रीजन, यानी कि जोन, किस जोन में हो तुम। अब ये देखो 750 R फ्री पर मंथ, और विंडोज 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 की मशीन मिलेगी जिसका टाइप है T2 माइक्रो। अब समझ में आया, अगर ऐसे तुम्हें सर्वर्स मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं सर्वर। देखो मैंने जब मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा था सर्वलेट, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, जहां पे मेरी एप्लीकेशन रन होगी मैं उसको सर्वर बोलूंगा, लेकिन हमेशा समझ लेना, अगर मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ तो वहां पे टॉमकैट चल रहा होगा या फिर कोई और सर्वर चल रहा होगा, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट सर्वर, बट वो होगा एक कंप्यूटर ही। चमका, संजय, अदर्स, समझ गए? हाँ चलो, अब ऐसे ही मैंने AWS से 4 EC2 मशीन ले ली। अब देखो यहां पे फर्क आ जाता है, मैं बताऊं तुम्हें कैसे। अब तुम्हें जाना, तुम्हें सर्विस लेनी होगी ऐसे कोई क्लाउड पे, ठीक है। अब ये जैसे जैसे मेरी सर्विस है ये, अब तुम जैसे कोड फॉर सक्सेस यहां से खोलोगे, कोड फॉर सक्सेस खोलोगे, तो तुम्हें ये दिख रहा है,
ये मैं तुम तक कैसे पहुंचा पा रहा हूं? अगर मैं इस कोड को अपने उसमें रख देता तो ये तुम तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना, तो मुझे ये कहीं पे तो रन करना पड़ेगा, क्लाउड पे। तो मैंने वो सर्विस किससे ली? मैंने वो क्लाउड किससे लिया? मैंने वो क्लाउड किससे लिया जहां से, ना 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 ना, ना जहां से मैंने डोमेन लिया होगा। नहीं, अमेजोन से तो मशीन लेते हो, लेकिन मैंने डोमेन लिया था, उन्होंने मुझे स्पेस दिया है कि वहां पे मैं अपना कोड रख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। मैंने बोला कि डोमेन लिया मैंने एक, वो मेरे कोड को मैप करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे अभी तुम लोग बोल रहे थे कि कहाँ पे कोड चलेगा, AWS पे, ऐसे ही मैंने ये अपने प्राइवेट क्लाउड पे चला रखा है। और वो प्राइवेट क्लाउड किसका है? रिगी का। किसका है प्राइवेट क्लाउड? रिगी का। मेरे पास तो है नहीं, मैं तो नहीं खरीद सकता इतना प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, अब देखो प्राइवेट क्लाउड क्या, वैसे रिगी का प्राइवेट क्लाउड नहीं है, वो AWS से ही चलाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो क्लाउड क्या है, AWS क्या करता है, AWS Amazon Web Services क्या करता है, ये तुम्हें क्लाउड पे सिस्टम्स देता है। यानी कि अब देखो क्लाउड वाला कुछ नहीं है, मैं बताऊं तुम्हें इसका प्राइवेट, इसने क्या किया है, इसका प्राइवेट, इसने इसके पास बहुत सारी मशीन्स हैं। ठीक है, तो इसको एक क्लाउड बोल रहा है, लेकिन AWS का तो ये प्राइवेट क्लाउड है ना, AWS के टर्म्स में देखूं तुम्हें, ये इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। अब लेकिन तुम्हारे लिए ये क्लाउड हो गया, क्योंकि तुम्हारी नहीं है ना, ये प्राइवेट नहीं है ना, तुम AWS से जाते हो और उससे एक लिनक्स मशीन लेके आ जाते हो, राइट? तो ये तुम्हारे लिए क्लाउड हो गया। बट अब जैसे मैं बात करूं, जैसे कि मान लो पेटीएम की, तो पेटीएम ने क्या कर रखा है नोएडा के अंदर, वैसे पेटीएम AWS यूज करता है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसे टर्म्स के लिए, जैसे कि मान लो जोमेटो। अब जोमेटो क्या करता है, इसे जोमेटो ने नोएडा के अंदर बिल्डिंग्स लगा दी, नोएडा के अंदर बिल्डिंग लगा दी, और बिल्डिंगों में सर्वर है, मतलब कंप्यूटर है। ठीक है, अब जैसे तुमने कभी टीम व्यूअर यूज किया है, टीम व्यूअर यूज किया है, या फिर एनी क्लाइंट यूज किया है, तो वहां पे तुम एक आईडी डालते हो। टीम व्यूअर देखना क्या है, टीम व्यूअर में तुम एक आईपी डालते हो, आईपी। तो जैसे कि मान लो कि तुम यहां पे बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम्हें अपने घर से एक सिस्टम, तुम्हारे घर पे जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो तुम्हें एक्सेस करना है, तो तुम यहाँ पे आईपी दोगे उसको, आईपी। और जैसे ही तुम आईपी दोगे, यहाँ पे कंप्यूटर है, तुम यहाँ पे इसको आईपी दोगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, फिर तुम इसको एक्सेस कर सकते हो आईपी देके, रिमोट एक्सेस। हाँ, रिमोट एक्सेस। आप समझा, समझा? ऐसे ही क्या कर रखा है, लाइक जोमेटो ने ऐसे प्राइवेट क्लाउड ले रखा है, मतलब जोमेटो को प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है, और ये क्या करता है, मैंने यहाँ पे सर्वर्स ले लिए, मैंने यहाँ पे सर्वर्स ले लिए, ओके। मतलब सर्वर मतलब क्या, मैं सर्वर से समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूं, कंप्यूटर। हाँ, तो ये बहुत सारे कंप्यूटर ले लिए। ठीक है, अब जब जोमेटो आएगा, अब जब जोमेटो आएगा, अब जोमेटो की माइक्रो सर्विसेज है, जैसे कि एक ऑर्डर सर्विस है, जैसे कि एक ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, जोमेटो चल रहा है, एक ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, और मैंने बोला कि एक नोटिफिकेशन सर्विस है, ठीक है, एक क्या है, नोटिफिकेशन सर्विस है, और एक क्या है, एक पेमेंट सर्विस है, और एक कार्ड सर्विस है, ओके। अब ये जितनी भी सर्विसेज हैं, मैंने बोला कि अलग अलग चल रही हैं, आप ये एक एप्लीकेशन में नहीं है, ये अलग अलग एप्लीकेशन है, ये अलग अलग एप्लीकेशन है, समझ में आ रहा है? अभी तक सबलेट में हम दो एप्लीकेशन बनाई थी मैंने, अब मैंने दो अलग सबलेट बनाई है, मतलब दो अलग ऐप बनाई है, ठीक है, उसमें अलग अलग सबलेट डाली है ऐसे। तो ये जो है, ये जो ऑर्डर सर्विस है यहाँ पे, ये जो ऑर्डर सर्विस है, ये मैंने बोला कि ये जो ऑर्डर सर्विस है आपकी, ये चलेगी इस सर्वर पे, ओके, और इसकी आईपी क्या है, मैंने बोला 192। अरे भाई, इसकी आईपी क्या है, मैंने बोला इसकी आईपी है भैया, इसकी आईपी है भैया 192.168.70.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 0
33, इसकी है 34, इसकी है 35, इसकी है 36, ऐसे। मैंने बोला नोटिफिकेशन सर्विस यहाँ चलेगी, मैंने बोला पेमेंट सर्विस यहाँ चलेगी, मैंने बोला कार्ड सर्विस यहाँ चलेगी। अब जब तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो, तुम थर्ड पार्टी हो, ठीक है, तुम यहाँ पे हो और तुमने बोला कि रेस्टोरेंट ऑर्डर प्लेस करना है, तो तुम्हारी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो यहाँ जाएगी। तुमने कहा नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारे पास, तो यहाँ से आएगा। तुमने बोला कार्ड में ऐड करना है, तुम्हारी रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी। तुमने बोला पेमेंट करना है, तो यहाँ जाएगी। और ये सब कुछ तुम्हारी एक फोन एप्लीकेशन में, जो यूआई है, वहां पे मैनेज हो रखा है कि कब किसको कॉल मारनी है, कब किसको कॉल लगानी है। यूआई पे ये मैनेज हो रखा है पूरा, ये यूआई पे बता रखा है कि ये यूजर की सर्विसेज है। क्योंकि यूआई क्या करती है, इन्हीं को यहां से डेटा फेच करके यूआई पे दिखा देते हैं हम, वही तो प्रेजेंटेशन लॉजिक होती है। और जब तुम एक एक पे क्लिक करते हो, वहां वहां उसका डेटा जाता है। आप समझ में आया माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं? हाँ, ये सारी सर्विस आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकती हैं। अब जैसे ऑर्डर सर्विस को, अब पेमेंट करना है पेमेंट सर्विस को, है ना, वो कैसे लेगा, कार्ड में से डेटा लेगा, तो कार्ड सर्विस इसको डिटेल देगी कि भाई पेमेंट कर दे, ठीक है। या फिर नोटिफिकेशन भेजना है कि जो पेमेंट हो गया, तो पेमेंट जैसे ही डन हो जाएगा तो हम इसको बोल देंगे भाई नोटिफिकेशन कर दे यूजर को। तो ये आपस में भी कम्युनिकेट करती हैं। समझ में आया क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, मोनोलिथिक क्या होती हैं, एवरीथिंग। बाय डायरेक्शनल भी होता है, मोनो डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे तुम्हें कम्युनिकेट करना है वैसे करो, बट इट्स डिपेंड्स ऑन डेवलपर कि वो कैसे कर सकता है, ठीक है। मजा आया, चमक गया सब कुछ। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया। अर्ची, स्नेहा, हैप्पी वुमेन्स डे गर्ल्स, ठीक है। कल क्लास नहीं थी इसलिए कल नहीं बोल पाया, मोर पावर टू यू, ठीक है। प्रमोद, तू मुझे क्वेश्चन आंसर में क्यों बोल रहा है, आ गया चैट में बोल रहे आप। लो, सबकी चैट विजिबल कर दी ताकि तुम्हें दिखे। हाँ, ये आगे की, ऋषभ, ये आगे का खेल है कि कोई सर्वर स्लो हो तो अभी इसको नहीं छेड़ते, ठीक है, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन स्केलिंग एंड ऑल, ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर, अभी का टॉपिक नहीं। हाँ, अब बात आती है कि भैया ये सब डेटाबेस में कैसे जाता है। नाइस क्वेश्चन है, किसने पूछा, धर्मेश। हाँ, ये हुआ ना क्वेश्चन, देखो भैया ये जाता कैसे। लेट सपोज ये सर्विसेज हैं, ठीक है, अरे 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 अरे, राम 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 राम, ठीक है। चलो, अब ये सर्विसेज हैं, इनकी आईपी दे रखी है मैंने, है ना। अब मैंने बोला भैया मेरा क्वेश्चन है, सब सर्विस अलग अलग सर्वर्स पे क्यों, एक ही सर्वर पे क्यों नहीं आती। हाँ, एक सर्वर पे कर लो, लेकिन अभी देखो, अभी अभी मजा आएगा। चल विक्रांत, निकल पहले तेरे क्वेश्चन का आंसर। मान ले तूने सारी सर्विस इस सर्वर पे डिप्लॉय कर दी, ठीक है, और ये सर्वर स्लो हो गया। विक्रांत, ये किसका आंसर था, धर्मेश, तेरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, दोनों का। ये सर्वर स्लो हो गया या फिर ये सर्वर डाउन हो गया, तो ऑल एप्लीकेशन गोज डाउन। देखो, हमेशा सिस्टम डिजाइन में हम एक चीज की गारंटी लेते हैं हमेशा, कि मैं अपने सिस्टम को बॉटलनेक नहीं बनाऊंगा, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होगा, SPF। निखिल, समझा, ठीक है। क्योंकि अगर एक फेल हो गया,
तो सब फेल हो जाएगा। तो हमेशा मैं ऐसे सिस्टम डिजाइन करूंगा कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं आएगा। जैसे तुम्हारे घर वाले कहते हैं ना कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या है तेरा? तुम कहोगे अरे पापा मैंने तो प्लान ए नहीं किया, आप प्लान बी की बात कर रहे हो, है? तो ऐसे नहीं चलता है। ओके गॉट इट निखिल। अब ऊपर का आंसर एक एक सर्वर में नहीं करेंगे और स्लो हो गया तो क्या होगा, वो भी आंसर हो गया, ठीक है? लेकिन अब होता क्या है, देखो जनरली डिपेंड करता है आपका आर्किटेक्ट और आप कैसे डिजाइन कर रहे हो, बट माइक्रो सर्विस क्या कहती है कि हर एक सर्विस के लिए आप एक डिफरेंट डेटाबेस यूज करो। हर एक सर्विस के लिए आप एक डिफरेंट डेटाबेस यूज करो, माइक्रो सर्विस ये कहती है, ठीक है? बट जनरली लोग ऐसा भी करते हैं कि सारी सर्विसेज के लिए, जनरली लोग ऐसा भी करते हैं कि अबे जनरली लोग क्या करते हैं कि सारी सर्विसेज के लिए एक डीबी भी यूज कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो आप यहां पे एक डेटाबेस भी यूज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन फिर से ये क्या हो रहा है, सिंगल पॉइंट ऑफ क्या हो रहा है, फेलियर। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड, स्नेहा या तो भाई देख तुम पागल हो या फिर मैं पागल हूं, जब टॉपिक खत्म हो जाता है तब तो तेरा क्वेश्चन ऐसा क्यों आता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन माइक्रो सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज? स्नेहा माइक्रो सर्विस क्या है, यही तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस है ना। स्नेहा क्या खाती है भाई तू, मेरे को भी चाहिए यार वो। ये लड़की मुझे पागल कर देगी किसी दिन। लेकिन तुम्हें पता है देखो इसकी एक, इसने आके मुझे एक अच्छी बात क्या लगती है, मैं इससे कुछ भी कह रहा हूं लेकिन ये मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछती है। है ना, ये ऐसा नहीं कहती अगर मैंने इससे कह दिया अरे मैं अगली बार नहीं पूछूंगी, ठीक है? जितना मैं इसे चिल्लाता हूँ ये मुझसे भी ज्यादा डील है, ये मुझसे फिर पूछेगी, ठीक है? सो आई लाइक दैट। क्या हुआ स्नेहा, गुस्सा हो गई क्या अब मैंने कह दिया तो? ठीक है चल 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 गुड, समझ में आया डेटाबेस कैसे यूज करते हैं माइक्रो सर्विसेज। जो माइक्रो सर्विसेज है ना स्नेहा, मैं तेरा आंसर कर दूंगा, आई नो दैट थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। माइक्रो सर्विसेज हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज होती हैं, क्योंकि हम इसको अलग अलग डिप्लॉय कर रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज पे कर रहे हैं, अलग अलग डेटाबेसेज यूज कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही है। दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो हम अलग अलग जगह पे बना रहे हैं, ठीक है? आई नो तेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन आई होगी, तो बस सिर्फ जस्टिफाई क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रही है ना? आई नो दैट, ठीक है? हाँ पता है मुझे, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट कहाँ तक सोच सकते हैं और क्या पूछ रहे हैं, मुझे पता है तेरे को डाउट होगा, तेरे को क्लियर होगा ऑलरेडी तुम्हें कि क्या करना है, तुम्हें ये भी पता होगा कि हाँ ठीक है थोड़ा सा मैच हो रहा है, बट यू आर आस्किंग फॉर एन क्लैरिफिकेशन, है ना? पता है, ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके ठीक है। कर्मित खुश, ओके अब क्या करना है, अब एक और चीज देख लेते हैं। अरे यार ये मेरे क्यों मैसेज कर रहा है बार बार, एक सेकेंड। हेलो हाँ बोलो बोलो।
चलो कोई नहीं गाइस, एक पार्सल था वो फोन कर रहा था बार बार। चल हाँ, मैंने बोला भैया मेरे को समझ में आया कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, है ना, नहीं जोमेटो से नहीं था यार। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, अब ये क्या होते हैं भैया? देखो ये तुम्हें थोड़ी जानकारी, थोड़ी आवश्यकता है, इस वजह से मैं बता रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क क्या होते हैं? अगर मैं बोलूँ कि भैया फ्रंट एंड पे क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं, तो फ्रंट एंड पे फ्रेमवर्क्स हैं एंगुलर, ओके, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है लेकिन लोग उसको फ्रेमवर्क में ही जोड़ देते हैं। इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स लाइब्रेरी। ओके सो चेक दिस। धर्मेश ने फिर कुछ पूछा, कह रहा है कि पैरेलल डिलीवरी कॉलिंग भी MVC बना देना चाहिए। ठीक है चलो, अब मैंने बोला कि यहाँ पे दूसरा क्या है, वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये वेब फ्रेमवर्क जैसे एग्जाम्पल एक पहले आता था स्ट्रक्ट, जो कि अभी बंद हो चुका है, मतलब आउटडेटेड ही है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा ORM फ्रेमवर्क। अब तुम्हें चीजें क्लियर होंगी ढंग से, ठीक है, अब तुम्हें पता चलेगा कौन सी चीज कैसे है। ORM फ्रेमवर्क यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल फ्रेमवर्क, और ये क्या था, किसके लिए यूज होता है, टू डेवलप पर्सिस्टेंस लेयर। अब ORM फ्रेमवर्क में टू डेवलप, परसिस्टेंस लेयर, परसिस्टेंस लेयर है DB लेयर। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, हाइबरनेट। गॉट इट? ठीक है, अब भैया हम क्या कह सकते हैं, ये स्ट्रक्ट क्या था, इसमें क्या था स्ट्रक्चर, हम क्या बना सकते हैं, वेब लेयर, है ना, इससे हम परसिस्टेंस लेयर। तो लेकिन अब देखो, मैंने बोला कि जो स्ट्रक्ट में प्रॉब्लम थी, टू ओवरकम स्ट्रक्ट फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम इन अ पिक्चर। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, कह रहे पहले हमारा स्ट्रक्ट यूज होता था, उसमें प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर करने के लिए हमारा क्या आया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके गाइस, नाउ वी आर ऑन अ सेम पाथ कि हम यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, मतलब तुम मेरे से पूछ सकते हो कि भैया ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है ये है क्या, राइट, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि स्प्रिंग एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। ठीक है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क क्या होते हैं, प्री डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक प्री डेवलप फ्रेमवर्क है जो मैं कहता हूं कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है, अभी तुम्हें पता चलेगा थोड़ी देर में, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, अब कैसे, ये तो मैं फोर्स नहीं करता, इट विल नॉट फोर्स यू टू यूज और लर्न एवरी मॉड्यूल। बात समझ में आ रही है?
मतलब इसके मॉड्यूल क्या होते हैं अभी बताऊंगा। मतलब ये कहता है कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूं, ठीक है, तुम सब कुछ मत यूज करो, ठीक है, तुम सब कुछ मत यूज करो, तुम्हें जो यूज करना है वो यूज कर लो, मतलब तुम्हें जो यूज करना है वो पढ़ लो, ठीक है। और ये किसी एक कंपनी के अंडर लाइसेंस है इसका, मतलब इसका जो अंडर द लाइसेंस मिलता है इसका, मतलब आई थिंक एक कंपनी है ऑफ VMware के अंदर है, ये VMware टांजा, ठीक है, ओके। अब इसके मॉड्यूल समझते हैं कि भैया अच्छा फ्लेक्सिबल है तो कौन से मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मॉड्यूल्स क्या क्या है भैया? पहला मॉड्यूल क्या है भैया? स्प्रिंग कोर। दूसरा मॉड्यूल क्या है भैया? स्प्रिंग कंटेक्स्ट। तीसरा मॉड्यूल क्या है भैया? स्प्रिंग JDBC। चौथा मॉड्यूल क्या है भैया? स्प्रिंग ORM। पांचवा मॉड्यूल क्या भैया? स्प्रिंग AOP। छठवा मॉड्यूल क्या है भैया? स्प्रिंग वेब MVC। और सातवा मॉड्यूल क्या है भैया? स्प्रिंग सिक्योरिटी। आठवां मॉड्यूल क्या भैया? स्प्रिंग बैच। नौवां मॉड्यूल क्या भैया? स्प्रिंग क्या था, हाँ, डेटा JPA। दसवां मॉड्यूल क्या भैया? स्प्रिंग रेस्ट। 11वां मॉड्यूल क्या है भैया? स्प्रिंग सोशल। 12वां मॉड्यूल क्या है भैया? स्प्रिंग क्लाउड। दैट्स ऑल गाइस, ठीक है। ठीक है, हाँ बस यही है। अब यहां से हम ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन देखेंगे हम सारे, ठीक है, देखेंगे हम सारे। अंडरस्टैंडिंग तो मैं सबकी दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन जो अच्छे से यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, ठीक है, जो अच्छे से यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, जो तुम्हें पता चलेगा। और देखो मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं, सारे स्प्रिंग के मॉड्यूल्स बहुत ही कम डेवलपर यूज कर पाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी हर जगह पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अब मैं स्प्रिंग डेटा JPA यूज करूंगा तो मैं JDBC नहीं यूज करूंगा, ठीक है, मैं ORM यूज करूंगा, मैं स्प्रिंग डेटा JPA यूज करूंगा तो ORM नहीं यूज करूंगा। AOP की बहुत नीड होती है जब मैं ऑडिटिंग करता हूँ, जब मैं लॉगिंग करता हूँ, जैसे कि मुझे काफका में लॉग्स भेजने हैं, ठीक है, या फिर मुझे क्यू में लॉग भेजने हैं, वहां AOP की जरूरत होती है। तो इसका मैं तुम्हें दिखा दूंगा कैसे होती है AOP, ठीक है। दिस ऑल्सो AOP होती है, एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब ये कैसे चलती है कि कोई मेथड है, ठीक है, अगर मेथड के, जैसे अभी फिल्टर चल रहा था ना तुम्हारी सर्वलेट पे आके, यहाँ पे फिल्टर चल रहा था यहां से और यहां से, है ना, वैसे ही AOP होती है कि वो, लेकिन मेथड लेवल पे चलती है कि इस मेथड पे, यहाँ पे मुझे अगर कोई कोड चलाना है, कोई कॉल्स आ रही है यहाँ पे कोड चलाना है, और इस मेथड के जब कॉल पूरी कंप्लीट हो जाए यहाँ पे कोई कोड चलाना है, तो उसके लिए AOP यूज होती है। तो देखो हिंदी समझा करो, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है,
तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी जिंदगी का एक पहलू वही होता है ना, एक्सेप्ट का एक पहलू होता है। एक पहलू मतलब एक किसी कंसेप्ट पे, यहाँ पे मेथड पे मुझे कोड चलाना है, तो उसके लिए एओपी यूज होती है।